नाज़िम अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़िम, अभी हम आपको बताते चले कि वादी कश्मीर में जो मौसम है उसने कुछ अजीब सा रुख इख्तियार किया, इस एतबार से कि वादी कश्मीर में इस वक्त इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी आज महसूस हो रही है। हालांकि पिछले महीने आपने देखा होगा कि बिल्कुल बारिशें थी और हम ये तवक्का करते थे कि बारिश जल्दी रुक जाए और ये मौसम जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए, लेकिन इतना भी अंदेशा नहीं था कि वादी कश्मीर में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अभी इसके बारे में बहुत सारी एडवाइजरीज जारी की गई है। अगर हम देखें कि कल डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की कि मुमकिन है कि अगले 7 दिनों में जो हमारे जंगलात है, गर्मी की वजह से जो हमारे वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनमें आग भी लग सकती है। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगले हफ्ते तक मौसम जो है उसमें तब्दीली नहीं आएगी बल्कि गर्मी और ज्यादा भी बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब से स्कूली बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। असातिज़ा किराम से यह कहा गया कि दोपहर के बाद कोई असेंबली वगैरह इसका इनका ना किया जाए क्योंकि शिद्दत की गर्मी जो है इससे बहुत सारे नुकसान बच्चों को पहुंच सकते हैं, इसलिए आप इन चीजों का एहतमाम करना बंद करें। दूसरी जानिब से अगर आप असेंबली में बच्चों को सुबह मॉर्निंग में बिठाते हैं तो उनका सर जो है वो ढका होना रहना चाहिए, यानी जो हमारी बच्चियां है दुपट्टा वगैरह जो होता है उनके सर पे होना चाहिए क्योंकि इसके मुजर असरात उन पे हावी हो सकते हैं। ये भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरी जानिब से हमारा जो तिब्बी महकमा है उनकी जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, पानी के इस्तेमाल के साथ वो चीजें इस्तेमाल करें यानी मेवा वगैरह जिसमें पानी हो, वो मेवे जिसमें आपको पानी साथ हो वो उन मेवों का इस्तेमाल करें। तो हम देखते हैं कि वादी कश्मीर में इस किस्म का मौसम नहीं हुआ करता था। जब भी वादी कश्मीर में अक्सर बेशतर यहाँ पे ज्यादा गर्मी महसूस होती थी तो उसके बाद फौरी तौर बारिश भी पड़ जाती थी, लेकिन अब आज की बात अगर करें 33 डिग्री सेल्सियस लगभग वादी कश्मीर का टेम्परेचर है, तो ऐसे में ये ज्यादा हो जाना ये 35-37 तक भी जा सकता है, इसलिए एहतियात बरतने की काफी जरूरत है। हम देखते हैं कि ऐसे में हमारे छोटे बच्चे जो है जब वो गर्मी महसूस करते हैं तो झीलों वगैरह में जाते हैं या डल लेक श्रीनगर में भी आप देखेंगे कि बच्चे नहाने की कोशिश करते हैं। नहाना तो जरूरी है लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें जो वारदात यहाँ पे जिस किस्म के हादसात यहाँ पे पेश आ जाते हैं उनका भी ख्याल रखें कि गर्मी की वजह से आप दरियाओं का रुख ना करें और दरियाओं में क्या हादसात पेश आ जाते हैं, मामूली से फिसलन के 22 कई अमवाद भी हो जाती है, तो इस किस्म का भी ख्याल रखें। फिलहाल हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा एहतियात बरत लें, उन चीजों से परहेज करें जो नहीं करनी है और जो करनी है उनका एहतमाम करें। डायरेक्टर मेट जो है उनका क्या कहना है कि किस किस्म का मौसम अब रहेगा, तो नाज़रीन आपको पूरी तफसील सुनाएंगे कि उनका क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी कोई मेजर चेंज नहीं है, जो ड्राई वेदर है वो मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग अगले 5 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक, और ख़ासकर वैली के अंदर जो है और जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर गर्मी जो है बरकरार रहेगी एटलीस्ट नेक्स्ट 5 डेज तक, और उसके बाद जो है थोड़ा सा राहत मिल सकता है खासकर वैली के अंदर क्योंकि थोड़ा सा मौसम अबरालूत होने के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशों के इम्कान हैं खासकर 29-30-31 के दरमियान इंटरमीटेंटली एक ब्रीफ स्पेल के चांसेस हैं, तो गर्मी जो है थोड़ा सबसाइड होगा। बाकी जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर लगभग 31 मई तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांस, तो हीट वेव जो है वो बरकरार रहेगा। बाकी जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन ये कंटिन्यू रहेगा अगले 4-5 दिन तक, और उसके बाद जो है थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी कोई मेजर वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग एंडिंग में तक, तो गर्मी जो है मतलब मोर और लेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। देखो गर्मी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है, जैसे रिकॉर्ड है हमारे पास जो ऑल टाइम हाईएस्ट है वो 36.4 है 1968 में मई के महीने में, और इसी तरह 33.3 1981 में, 1995 में 34, 2000 में 33.8, तो हमेशा मई के महीने में यहाँ गर्मी रहा है 33-34 के आसपास।
तो इस साल भी जो है जैसे गर्मी जिस हिसाब से चल रहा है 32 तक अभी टच किया है, तो कमिंग डेज में 33-34 तक भी टच कर सकता है, खासकर श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज में। बाकी जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं लगभग 44-45 तक भी टच करेगा ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के अंदर।